उम्र में हम मसाज कैसे करें कि कस्टमर को रिलैक्स फील हो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा जाए और उनकी थकान मिटे, आज इसी टॉपिक पर हमारा वीडियो है। क्रीम को लगाएंगे और फिर हाथ को पूरा गीला करेंगे और फिर सर्कुलर मोशन में पूरे क्रीम को हाथों पे फैलाएंगे। नीचे से पुश करते हुए हाथों को ले जाएंगे और फिर यहाँ पे पुश करके नीचे की तरफ खींचते हुए मिडिल फिंगर पे फिर से पुश करेंगे और फिर यही प्रक्रिया को हम 3 बार दोहराएंगे। जब 3 बार कर लेंगे ना तब पता, ये पूरे फिंगर्स को ऐसे पूरे हाथों पे फैलाते हुए नीचे से पुश करते हुए पूरा नीचे लाएंगे। इस हर प्रक्रिया को हम 3 बार दोहराएंगे। पुश करते हुए प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ राउंड राउंड करते हुए खींचेंगे। ये 3rd 3री बार करेंगे और एक बात का ध्यान रखेंगे, कस्टमर का करते हुए कभी हाथ हटना नहीं चाहिए। जॉइंट पे शोल्डर पे अंगूठे को ऊपर से पुश करूँगी और मिडल फिंगर को नीचे से पुश करते हुए प्रेस करते हुए हाथों को खींचूंगी। ऐसे पकड़ हम आँखों को लॉक और एक लॉक में ऐसे होने में बीच में फसा देते हैं। टू फिंगर्स के बीच में ऐसे फसा
सारे प्रेशर पॉइंट को प्रेशर देते हुए हम हर फिंगर पे जाएंगे। पैर की तरह हाथ में भी प्रेशर पॉइंट होते हैं, किडनी के, आँख के, लीवर के, ये सारे मैनीक्योर करने से, केवल मसाज करने से केवल रिलैक्सेशन ही नहीं होता, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। हमें मसाज करवाते रहना चाहिए, 1 वीक नहीं तो मंथ में 2 times, 1 times रिक्वायर के हिसाब से ज़रूर करवाना चाहिए, तभी ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए भी। सारे प्रेशर पॉइंट जहाँ जहाँ जिस हमारे शरीर में अंग के जो हमारे नर्व्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, मांसपेशियाँ स्ट्रांग होंगी, और हमारे किडनी, लीवर, आँख जो फंक्शन है वो बहुत अच्छा करेगा, लॉन्ग लास्टिंग वर्क होगा। जॉइंट जो ऑयलिंग सिस्टम वीक हो जाता है वो स्ट्रांग होगा। हड्डियाँ बढ़ जाती हैं गठिया की वजह से, उसमें भी बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत आराम मिलता है। सारे जोड़ खुल जाते हैं और सारे पॉइंट जो जोड़ अच्छे से काम करते हैं, सही होगा तो मैं बता दूंगी लेकिन उससे आपको क्या होगा। तो ये क्या मैम, ये आफ्टर मैं पेडिक्योर के बाद ही ना हैंड मसाज करेंगे तो उसी के बारे में बताएंगे ना मैम? ठीक है फिर से।